चलिए आज मैं सोया चाप बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसमें आपके पास अगर दही या क्रीम नहीं भी हो तो भी आप बहुत ही टेस्टी सोया चाप तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले बता दूँ हमें हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो चलिए बता दूँ, ये सोया चाप है जिसे मैंने मैंने 500 ग्राम लिया है, और इसे आप मार्केट से लाकर गर्म पानी में बॉईल करके इसको आसानी से इसका स्टिक निकाल सकते हो। इसको आप जब गर्म पानी में 2 मिनट के लिए उबाल लोगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसे आप इसका स्टिक निकाल सकते हो। और स्टिक निकाल कर हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसको जैसे चाहो वैसे, अगर चाहो तो इसके पूरे का पूरा भाग रख सकते हो, या यूँ छोटा छोटा टुकड़ों में काट सकते हो। तो ये हमने 500 ग्राम लिया है। और चलिए अब मैं बता दूँ, ये 3 बड़ा प्याज है जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है, 1 बड़ा प्याज है जिसे हमने बारीक काट लिया है, मिर्ची है जिसे हमने बारीक काट लिया है, 2 बड़ा टमाटर है जिसे हमने प्योरी तैयार कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, आप चाहो तो बारीक पीस सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर है, गरम मसाला है, तेज पत्ता, जीरा और कुछ सूखी मिर्च है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है और धनिया पत्ता है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें 4 से 5 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है जिसे हम सोया चाप को के टुकड़े को तल कर निकालेंगे। ये हमने इस पर हल्का सा हल्दी पाउडर छिड़क दिया है जिससे थोड़ा इसमें कलर आ जाए। सूखा हल्दी पाउडर आप तलने से पहले छिड़क कर इसे मिला लो और उसके बाद इसे तल लेंगे। सारे टुकड़े हम इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से तेल में मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हो गया। अब इसके साथ साथ हम इसको ऊपर से आधा से 1 मिनट के लिए हम इसे ढक भी देंगे ताकि ये फ्राई भी होते रहे और हल्का पकते भी रहे। पकने में टोटल 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, तलने में 5 से 6 मिनट में तल जाएगा। ढक्कन को हम हटाएंगे और हम पलट कर देखेंगे कि एक साइड हुआ है या नहीं। हमारा एक साइड फ्राई हो चुका है। अब इन सबको हम पलट देंगे। इस तरीके से हम सबको पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम फ्राई करेंगे और फिर से आधा से 1 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। इससे क्या होगा कि सोया चाप हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पकेगा। बस आधा से 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा है, हम आधे मिनट के अंदर ही ढक्कन हटा लेंगे। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। इन सबको हल्का सा हिला लेंगे जिससे बर्तन में पक रहे। आप देख रहे हैं कि तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब तल गए हैं। और हल्दी हमने इसलिए डाला था कि जिससे इसमें इसका जो वाइट था वो हटकर येलो एक सुनहरा सा कलर दे रहा है। तो अब हम इन सबको निकाल लेंगे। अब हम इसमें
जीरा और तेज पत्ता और सूखी मिर्च जो रखे थे वो हम डाल देंगे और इन्हें हल्का सा चटकने देंगे। अब हम इसमें इसको हल्का सा चटकने के बाद हम इसमें फिर हम प्याज का पत्ता डाल देंगे और इसे डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे जिससे ये जल्दी फ्राई हो जाए प्याज, जैसा कि मैंने अपने पिछले हर वीडियो में बताया है कि आप जब भी आपको प्याज फ्राई करना हो तो आप उसमें नमक डाल दें जिससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। इवेन इवेन आप ऑयल कम भी यूज करेंगे तो भी प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इन सबको एक साथ फ्राई करेंगे। इसे हम आधा मिनट के लिए हमने ढका था। ताकि मसाले की खुशबू बाहर ना जाए और सोया चाप हमारा टेस्टी बने। अगर आप मसाला ढककर कभी भी किसी भी चीज़ में डालने के लिए मसाला अगर आप ढककर फ्राई करते हो तो वो सब्ज़ी में खुशबू ज़्यादा अच्छे से देता है। तो अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे और इन्हें हम मिक्स करेंगे और इन्हें हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। वैसे तो हम सोया चाप में क्रीम भी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, बट मैं वो रेसिपी तैयार करती हूँ जिसमें अगर मानो ये सब चीज़ें ना हो तो भी इंसान इसे बनाकर खा सकता है। तो इसलिए मैंने उसके बिना बनाया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये हमारा हाफ फ्राई हो चुका है, जैसे मैंने कहा था 1-2 मिनट के लिए फ्राई करिए, तो हमारा ये हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर प्योरी डालेंगे और इसके साथ ही सारे मसाले इसमें सूखे मसाले पाउडर जो है डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आप तीखा जैसा खाना चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीर मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चम्मच नमक और इन सबको हम मिक्स करेंगे। नमक और मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। दो से ढाई मिनट इसे पूरे फ्राई करेंगे अच्छे से इसे फ्राई होने में। 1 मिनट के लिए हम इसे ढककर रखेंगे और आंच को हम धीमा कर देंगे।
धीमा से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि मसाला भी जले ना हमारा और अच्छे से थोड़ा पक भी जाए। अब हम इसे हटाएंगे और इसे चलाएंगे और इसको हम थोड़े थोड़े देर में बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि ये बर्तन में मसाले पकड़े ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये तेल छोड़ ना दे। आप इसमें चाहो तो, आपको अगर लगे कि थोड़ा आपको ऑयली खाते हो, तो इसमें एक चम्मच, एक या दो चम्मच ऑयल ऊपर से ऐड कर सकते हो। ऑयल की जगह पे आप बटर भी ऐड कर सकते हो, घी ऐड कर सकते हो। और अब ये हमारा मसाला फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें हल्का सा हमने धनिया पत्ता काट रखा था, थोड़ा सा वो इसमें डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता हम रहने देंगे, ताकि हम लास्ट में डाल सकें। और ये अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा ये मसाला अच्छी तरीके से खराब हो चुका है। पानी ऐड करने से पहले इसमें सारे जो जो है जो हमने फ्राई किया था वही डाल देंगे और इन्हें मसालों में मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से हमें सारे मसालों में इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से आपको तरी रखना हो, इसका इसका ग्रेवी जितना आप रखना चाहें। कितना डालें आप, पानी ऐसे डालें कि ये डूब जाए और इन सबको ऐसे मिक्स करेंगे। पानी उसी हिसाब से देख देख कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ज़्यादा पानी ना इसमें आ जाए। और अब इसे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे ढक्कन हटाकर, ताकि ऐसा ना हो कि पता चले पानी इसका सूख जाए सारा और सारे मसाले बर्तन में चिपक जाए। तो 1-1.5 मिनट पे हम इसे ढक्कन को हटा हटा कर देखते रहेंगे। अब ये हमारा मसालेदार सोया चाप तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा कलर छोड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और इसमें हल्का सा आधा छोटा चम्मच हम गर्म मसाला ऐड कर दें, आधा या एक भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और गैस हम बंद कर देंगे। हमारा सोया चाप हो गया, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मसालेदार सोया चाप रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे और भी ऐसे रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।